भारत में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,15,074 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 44,386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,35,743 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 62,064 नए मामले सामने आए हैं और 1,007 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 2% पर आ गई है। ये चौथा दिन है जब भारत में 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार 11वां ऐसा दिन है जब संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1,00,000 से ज्यादा संक्रमित का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस के मामलों में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है।